भिंडी शहर कोतवाली थाना इलाके की पुरानी बस्ती में दिन दहाड़े आगजनी की घटना सामने निकल कर आई है। दरअसल मामला यहां है कि भिंड के जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में पदस्थ स्टाफ नर्स के पद पर तैनात कमलेश सोनी की बेटी ने करीब 2 साल पहले जयपुर के रहने वाले विमल सिंह पुत्र कमल सिंह से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद लंबे समय तक दोनों साथ में रहे और फिर दोनों में अनबन होने लगी, जिस कारण युवती पति का साथ छोड़कर अपने मायके बच्चे के साथ भिंड के पुरानी बस्ती में रहने लगी। वहीं इस दौरान शुक्रवार की दोपहर पत्नी व बच्चे की याद में विमल सिंह अपने ससुराल पहुंचे तो यहां ससुराल के गेट पर ताला देखा, साथ ही उसी दौरान मकान में लगे कूलर में आग लग गई, जिसके बाद मां बेटी मौके पर पहुंची और विमल पर आग लगाए जाने का आरोप लगाया। हालांकि दामाद विमल सिंह आग ना लगाने की बात करता रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी व फरियादी को गाड़ी में बैठा कर कोतवाली ले गई, साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कि सीसीटीवी फुटेज में आपने आग लगाई, फुटेज में आ जाएगा, अगर मैंने लगाई है तो फिर मैं मेरा नाम आ जाएगा। तो बच्चे ने किसने लगाई? आपके बच्चे ने लगाई? नहीं, मेरा बच्चा को मैं ढूंढने आता हूँ, मैं हमेशा मेरे बच्चे को देखने आता हूँ। मेरा बच्चा कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है जिसको इन लोगों ने छुपा रखा है। पूछो इनसे मेरा बच्चा आपके साथ ही आपके साथ से विनती करके पूछता हूँ मेरा बच्चा कहाँ है अभी, जब पूछिए मेरा बच्चा है। क्या नाम है आपका? विमल। विमल सिंह। आपका? मेरा नाम कमलेश सोनी है। हाँ, ये कैसे कैसे क्या घटना घटी है बताएं? ये मैं तो ड्यूटी पर थी, मेरे को यहाँ के मोहल्ले वालों ने खबर दी कि आपके यहाँ दादी आग लग गई है कूलर में और घर जल रहा है, जल्दी आग दौड़ के। फिर मैं एक को लेके आई वहाँ स्टाफ वाले को अपने साथ, जब मेरी आग जल रही थी फिर बुझा दी और जो यहाँ पे बैठा मिला। आप आई थी तब आग जल रही थी? जल रही थी, जल चुकी थी मतलब। अच्छा अच्छा। घर पे कोई था? कोई नहीं, ताला डला था मेरे घर, ताला डला था। सब लोग कहाँ गए थे? हम लोग तो जे आई थी केस के लिए तारीख पे, वकील के आ गए थे जरूर। वो बता रहा है कि हमारी शादी हुई थी। अरे शादी इसकी हुई क्या है, जबरदस्ती ले गया भगा के इसको, हमको पागल रही थी मैं, पागल कर दिया था इसको ले जाके। वो समाज में नहीं थी मैं। बच्चे बता रहा है बच्चे? हाँ, एक लड़का है। शादी के 2 साल बाद बच्चा हुआ था ये, जो अभी 4 साल का हो गया। तो क्या सहमति से हुई थी घर वालों की के बिना? घर वालों की बिना सहमति थे, और मेरा भी कुछ दिमाग ऐसा कर दिया था जो मुझे सही और गलत का पता ही चल रहा था। थोड़ी मम्मी से हमारी किच किच होती थी तो थोड़ी उसकी बातों में आ गई, कुछ मेरे दिमाग पे चक्कर हो गया था, तो 6 महीने मेरे आगरा पागल खाने का इलाज चला था। तो क्या इसके घर जाने के बाद क्या दबाव बना रहा है ले जाने के लिए? हाँ, दबाव बना रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है, घर वालों को भी परेशान कर रहा है ताकि मैं